हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की, जिसका हर कोई दीवाना है। इसके लिए मैंने 6-7 आलू पहले से बॉयल होने को रख दिए थे। अब हम इसे छीलकर मैश कर लेंगे। अब मैंने 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है, 1/2 टीस्पून नॉर्मल नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 3/4 टीस्पून सूखा पुदीना पाउडर लेकर मिला लिया है। ये प्लेट में गिर रहा था तो मैंने इसे एक बॉल में निकाल लिया है। ये मिक्स गीला लग रहा था तो मैंने इसे मैदा मिक्स किया है और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी। अब अच्छे से इसे मिला लेंगे और हाथों में थोड़ा ऑयल लगा लेंगे ताकि चिपके नहीं। अब हाथ में थोड़ा ऑयल लगाकर आलू मिक्स हाथ में लेकर छोटी छोटी लोई बना लेंगे। थोड़ा मैदा मैंने बेस पर फैला लिया है जिससे आलू की लोई रखने में चिपकेंगी नहीं। मैंने एक एक करके सारे आलू की लोई बना ली है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा ऑयल डालकर गरम कर लेंगे और एक एक करके लोइयों को फ्राई कर लेंगे। हमने एक एक करके लोइयां डाली हैं और अच्छे से दोनों तरफ से पलट कर अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। ये टिक्की जितनी बनाने में इजी है उतनी ही खाने में टेस्टी है। एक बार बनाएंगे तो आप हमेशा इसे बनाते रहेंगे, चाहे वो किट्टी पार्टी हो चाहे छोटी मोटी कोई भी फंक्शन हो। तो तैयार है हमारी आलू टिक्की। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, टिक्कियों को फ्राई करने के लिए हमें कम आँच का ही प्रयोग करना है ताकि टिक्कियाँ न कच्ची रहें न जलें। तो तैयार है हमारी आलू टिक्की। अब सर्व करने के लिए एक बोल में हम थोड़े उबले छोले डाल लेंगे। अब टिक्की रखेंगे और थोड़े कच्चे प्याज स्प्रिंकल करेंगे। हल्की सी हमें लाल मिर्च पाउडर यूज़ करनी है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, काला नमक डालेंगे और इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी हमें थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, वो अपने स्वाद के अनुसार हम डाल सकते हैं। अब फिर से एक आलू टिक्की डालेंगे और फिर से सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल लेंगे, जैसे चना प्याज चटनी डाल लेंगे और अब हरा धनिया और हरे धनिया की चटनी डालकर सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारी टेस्टी आलू टिक्की। आप इसे बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय कीजिए। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।